हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सरबजीत सिंह और आप देख रहे हैं टेक एसके। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि रियलमी C25S में आप स्प्लिट स्क्रीन मोड का यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देर के वीडियो शुरू करते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको सबसे पहले सेटिंग्स में चले जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर कन्वीनियंस टूल्स पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन मिल जाएगी, यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे और ये वाली ऑप्शन को ऑन कर देंगे। ये वाली इसे हम ऑन कर देंगे और दूसरी वाली ऑप्शन को भी ऑन कर देंगे। तो अब मैं आपको बताता हूँ इसे यूज़ कैसे करना है। आप देखते हैं यहाँ पर दिखा रहे हैं इसे कैसे यूज़ करना है। दोस्तों इसे यूज़ करने के लिए, जैसे कि आप अगर सेटिंग में यूज़ करना चाहते हैं तो आपको अपनी तीनों उंगलियों को ऊपर की ओर स्क्रॉल करना है एक साथ और स्प्लिट स्क्रीन मोड ऑन हो जाएगा। करके दिखाता हूँ, मैंने तीनों उंगलियों को ऊपर की ओर स्क्रॉल किया, आप देखते हैं स्प्लिट स्क्रीन मोड ऑन हो चुका है। इसके नीचे आप जो भी ऐप यूज़ करना चाहें वो कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं कैलेंडर यूज़ कर लेता हूँ। हम देखते हैं ऊपर सेटिंग्स और नीचे कैलेंडर, आप ये वाली लाइन पर क्लिक करके मतलब यहाँ पर ऐसे इसे साइज को घटा बढ़ा सकते हैं। अगर आप ऑफ करना चाहें तो इसे पूरा ऊपर की ओर ले जाकर छोड़ दें, नहीं तो नीचे को ले जाकर छोड़ दें, ऑफ हो जाएगा।